गाइस, हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची माँ की जानी गाइस, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज ये जो मैं आप लोगों को लुक दिखाने वाली हूँ, ये है करवा चौथ स्पेशल लुक। करवा चौथ में बेसिकली क्या करते हैं, अगर फ्रेंकली बताऊं गाइस तो आप मुझसे पूछोगे तो आई रियली डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि मैंने कभी भी करवा चौथ नहीं रखा है। हम लोग सिंधी से हैं, तो सिंधी में तीज रखते हैं, गणेश चौथ रखते हैं जो एवरी मंथ आती है। मुझे ये पता है कि उससे ही मिलता जुलता करवा चौथ होता है, बट मुझे ये पता है कि आप कैसे रेडी हो सकते हो और ये लुक जो है गाइस आप कर सकते हो दिवाली पे, जैसे कि अपकमिंग जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप उस पे भी इस तरह से रेडी हो सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आने वाला है अगर आप इस तरह से रेडी हो जाओगे तो। स्पेशली हस्बैंड्स के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो प्लीज, आपकी वाइफ आपके लिए इस तरह से फास्ट रखती है, भूखी रहती है सारा दिन, एंड देन इस तरह से रेडी होके बैठती है, स्माइल करती रहती है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करें। एंड मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज जो सारा दिन भूखी प्यासी रह के अपने हस्बैंड्स के लिए फास्ट रखती हैं। सो चलिए गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द लुक। लुक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है गाइस, अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है, प्राइम करना है, मॉइस्चराइज करना है। तो मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा हुआ है मुझे, बट देन थोड़ा सा मैं ऑयल यहाँ पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी नायका का स्किन पोशन ऑयल, जो कि मैं लगाऊंगी कुछ ड्रॉप्स में, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन इट। सो ऑयल मैंने लगा दिया है, एंड देन मैं लगाऊंगी मैक की स्ट्रोब क्रीम, और क्वांटिटी बिल्कुल कम लूंगी मैं। ऐसे नहीं कि ऑयल भी लगाया है और क्रीम भी बहुत ज्यादा लगाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेस इज ऑलवेज मोर, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लेस लगाऊंगी प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छा एक लुक क्रिएट करूंगी उससे। गाइस, तो मेरी स्किन अच्छे से प्रैप हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, देन अब मैं स्टार्ट करूंगी अपने आई मेकअप के साथ में। उसके बाद में मैं करूंगी फाउंडेशन। तो आई मेकअप में सबसे पहले मैं बेस लगाऊंगी, और बेस में मैं यहाँ पे यूज करूंगी नार्स का कंसीलर। एंड देन मैं अपने कंसीलर को जो है सेट कर लूंगी अपने ये लोरा मर्सियर के लूज पाउडर से। ये बहुत ही अच्छा ट्रांसल्यूशन पाउडर है, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू यूज दिस, और इसमें क्वांटिटी भी काफी अच्छी आती है। सो इसको मैं सिर्फ अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, एंड बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल कम। और इसका ये मैजिक है, ये ट्रांसल्यूशन जो पाउडर है, आप इसको कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में लगाओ, ये बहुत ही अपना काम करके, बाकी सारा जो पाउडरी इफेक्ट नहीं आता है, ये सिर्फ अपना काम करता है, एंड देन बाकी सारा का सारा उड़ जाता है। सो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे इसकी। एंड देन गाइस, मैं स्टार्ट करूंगी अपना आई मेकअप अपनी जेम्स चार्लिस की, जैकलिन हिल की जो मेरी किट है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी रक्षाबंधन वाले वीडियो में, आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जब ये पार्सल आया था। सो गाइस, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक लुक जरूर क्रिएट करूंगी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इससे ही अपना जो है आई मेकअप करूं। सो गाइस, मैं स्टार्ट करूंगी लाइट ब्राउन के साथ में। Thank you.
देन गाइस मैं पहनने वाली हूँ मारून साड़ी रेड कलर्स में, तो मैं धीरे धीरे ब्राउन्स और रेड टोन्स में जाऊंगी। बाद में मैं लूंगी यहाँ पे फ्लैट ब्रश इस तरह का, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लगाया है शिमर में मैंने लगाया है ये वाला, मैंने पर्पल शेड लगाया है शिमर वाला, एंड देन मैंने ये वाला गोल्डन थोड़ा सा उसके ऊपर टिंच दिया है, एंड देन उसके बाद मैंने ये मरून वाला शेड दिया है। तो वन बाय वन करके मैंने दिया है, एंड देन उसके बाद में आया है ये वाला शेड जो आप देख रहे हो। तो ये वाला शेड मैंने क्रिएट किया है मिक्स एंड मैच करके, एंड देन मैं ले लूंगी एक क्लीन ब्रश एंड देन क्लीन कर लूंगी अपने आईज को। तो जो भी सारा मैस था वो सारा मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन फेस पे। अगर आपको पसंद है तो आप बहुत अच्छे से बेस कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आईज अच्छे से करके और फाउंडेशन कम, बाकी सारा जो मेकअप है कम रखने वाली हूँ, और मेन अट्रैक्शन जो है आईज को करने वाली हूँ। तो इट्स अप टू यू गाइस, आपको अगर चाहिए तो आप पूरा मेकअप भी हैवी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही कम फाउंडेशन ली है। फाउंडेशन के साथ साथ मैं कंसीलर भी लगा दूंगी। फिंगर की हेल्प से ही ये नायका की कंटूर पैलेट में से डार्क शेड लूंगी, एंड अपने फिंगर टिप की हेल्प से ही मैं अपने फेस को कंटूर कर लूंगी। तो मैं अब कंप्लीट कर लूंगी अपने लोअर आई को, एंड देन सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है तो मैं उसको पाउडर से पैक कर लूंगी अपने आई एरिया में स्पेशली, अदरवाइज छोटी छोटी लाइंस आने के चांसेस रहते हैं। एंड मैं पाउडर कॉन्टोरिंग कर लूंगी। तो पाउडर कॉन्टोरिंग में मैं यहाँ पे यूज करूंगी बामा मामा का पाउडर कॉन्टोरिंग। तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ब्लश। तो मैं ब्लश में यूज करूंगी मैक का ब्लश। गाइस आईब्रोज में मैं यहाँ पे यूज करूंगी शुगर का आईब्रो पेंसिल, जिसमें इस तरह से एक तरफ से
ब्रश दिया हुआ है जिससे मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पहले ब्रश आउट कर लूंगी एंड देन मैं उसको फिल करूंगी। मेरे आईब्रोज कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं मस्कारा और लाइनर और नीचे की तरफ जो मेरा आई शेडो है वो मैं लगा दूंगी। तो उसके लिए मैं लूंगी बहुत ही पतला सा एक ब्रश। देन में लगाऊंगी मस्कारा। लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैंने बेस जो लगाई है वो है, और ये मैबरीन की लिपस्टिक है जो मैंने बेस में लगाई है, एंड नेक्स्ट ये मैबरीन की क्रेयॉन्स हैं। नेक्स्ट जो है मैं इसको ब्राउन के साथ में थोड़ा आउटलाइन दे दूंगी। लिपस्टिक इज ऑल्सो डन, थोड़ी सी डार्क हो गई एंड काफी अच्छा लगता है। सिर्फ अगर मैं ब्राउन लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, एंड सिर्फ न्यूड शेड में जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। सो ये जो है ना बहुत ज्यादा लाइट है ना बहुत ज्यादा डार्क है। सो मुझे इस तरह के लिप्स पसंद है गाइस। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ।